दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद क्रिश में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक के बैन होने के बाद हम टिकटॉक की जगह पर कौन सी दूसरी ऐप्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक इंडिया में यूज़ किए जाने वाले सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक था, और हाल ही में इसी ऐप को इंडिया में बैन कर दिया गया। और रीज़न इसका ये बताया गया कि इस ऐप में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, और ये ऐप इंडिया का सभी डेटा इंडिया से बाहर भेजती है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इन शॉर्ट टिकटॉक पे ये ब्लेम लगाया गया कि ये सभी यूज़र्स का डेटा चुरा के इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भेजती है। अब दोस्तों इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या टिकटॉक कभी वापस आएगा? क्या हमें वापस कभी प्ले स्टोर में टिकटॉक ऐप देखने को मिलेगी? अब दोस्तों यहाँ पे लोगों की 50-50 राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ टिकटॉक वापस आएगा अगर वो कोई लीगल एक्शन लेगा और ये प्रूफ कर देगा कि वो कोई भी डेटा चुरा के इंडिया से बाहर नहीं भेजता और उसकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, तो ऐसे केस में टिकटॉक वापस ज़रूर आएगा। और कुछ लोगों का ये मानना है कि चाहे टिकटॉक कुछ भी करे, टिकटॉक इंडिया में वापस कभी नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों टिकटॉक आएगा या नहीं आएगा ये चीज़ तो हमें आने वाले समय में पता लग ही जाएगी, पर दोस्तों जो लोग टिकटॉक यूज़ करते थे, मतलब जो करोड़ों लोग टिकटॉक को यूज़ करते थे, वो अब ये सोचते हैं कि उसकी बजाय वो कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हैं जो मेड इन इंडिया हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ऐप्स जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐप्स ट्रूली मेड इन इंडिया हैं। अब दोस्तों पहली ऐप जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है मौज शॉर्ट वीडियो ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से यूज़ की जा सकती है, और ये ऐप थोड़ी बहुत टिकटॉक के साथ ही रिसेंबल करती है। मतलब इस ऐप में भी आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इस ऐप में आप दूसरों की वीडियोस भी देख सकते हैं और उन वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। पर दोस्तों इस ऐप में आपको अभी ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस ऐप में अभी भी काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस ऐप के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी इस ऐप में ऐसा फीचर नहीं है जिसमें आप इस ऐप के अंदर ही वीडियोस बना सकें। अभी आप जो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आपने, उस वीडियो को इस ऐप में डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके पास कोई पुरानी आपकी वीडियो पड़ी है, मतलब कोई पुरानी शॉर्ट वीडियोस आपके पड़ी हैं, तो आप इस ऐप में उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस ऐप में दूसरों की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मौज ऐप एक बहुत ही कमाल की ऐप है अगर आप टिकटॉक का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी ऐप जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है मित्रों ऐप। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इस ऐप को कुछ टाइम पहले प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप को प्ले स्टोर से क्यों हटाया था इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इस ऐप को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्ले स्टोर से हटा दिया था, और जब इस ऐप ने अपनी सिक्योरिटी को वापस अपडेट कर दिया तो गूगल प्ले स्टोर में इस ऐप को दोबारा डाल दिया गया है। दोस्तों ये ऐप भी टिकटॉक की तरह ही है, और यहाँ पर आप अपनी खुद की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, और टिकटॉक जैसे कमाल के फीचर्स इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों ऐप को भी काफ़ी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, तो यहाँ पर आपको दूसरों की बहुत सारी वीडियोज़ देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो अगर आप टिकटॉक के जैसा कोई ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप मित्रों ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी ऐप जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है चिंगारी ऐप। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप को भी काफ़ी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, और इस ऐप में भी आप टिकटॉक की तरह अपनी शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, साथ ही साथ आप स्पेशल इफेक्ट, म्यूज़िक और साथ ही साथ स्टिकर्स ऐड करके अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस ऐप में आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इस ऐप से आप पैसे भी कमा सकते हैं और इस ऐप में आप गेम्स भी खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिंगारी ऐप में आप हाउजी खेल के और साथ ही साथ क्विज में हिस्सा लेके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर दोस्तों चिंगारी ऐप अभी भी अंडर डेवलपमेंट मोड में है, मतलब इस ऐप में भी अभी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस ऐप में अभी भी ऐसे कई फीचर्स हैं जो ढंग से काम नहीं करते। पर एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस ऐप में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आएंगे और सभी फीचर्स इस ऐप में टिकटॉक से भी ज़्यादा दे दिए जाएंगे। तो चिंगारी ऐप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप टिकटॉक की जगह कोई दूसरा ऐप यूज़ करना चाहते हैं। अब दोस्तों चौथा ऐप जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है रोपोसो। जी हाँ दोस्तों, रोपोसो टिकटॉक जैसा ही एक ऐप है जहाँ पे आप बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भी आपको स्टिकर्स और बहुत सारे म्यूज़िक और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है,
और इस ऐप में आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों रोपोसो ऐप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप इस ऐप को यूज़ करके इस ऐप से पैसे कमा सकते हैं। आप ऊपर आई सेक्शन पर क्लिक करके रोपोसो के ऊपर सभी जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आप टिकटॉक से अच्छा ऐप कोई ढूंढ रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको यही है कि एक बार आप रोपोसो ऐप को ज़रूर ट्राई करें। अब दोस्तों आखिरी ऐप जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है बोलो इंडिया ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ऐप है जहाँ पर आप टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ऐप की कमाल बात ये है कि इस ऐप में आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बोलो इंडिया ऐप में भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसे कंप्लीट करने के बाद आप इस ऐप के थ्रू मंथली पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों इस ऐप में पैसे कमाने के लिए आपको कुछ फॉलोअर्स और आपको कुछ वॉच टाइम कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब इसमें आपके मिनिमम 3000 फॉलोअर्स होने चाहिए अगर आप हर लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं। मतलब अगर आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, अगर आप इन सभी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं तो इसमें आपके मिनिमम 3000 फॉलोअर्स होने चाहिए। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आपके इसमें 16000 फॉलोअर होने बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपके मंथली 1 लाख से 4 लाख तक व्यूज़ आने चाहिए। अगर इससे कम आएंगे तो आप मोनेटाइजेशन पॉलिसी में पास नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 40 घंटे का प्ले टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ऐप से पैसा कमाना चाहते हैं। यानी अगर आप इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ वीडियो बनाते हैं तो आपको इसमें 40 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन सभी पॉलिसीज़ में खरे उतरते हैं तो यहाँ पे आपको अलग से एक पेज दिया गया है जिसमें आप अपने सभी डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब अपने फॉलोअर्स को, लाइक्स को, वॉच टाइम को और व्यूज़ को। इसके बाद जैसे ही आप कोई क्राइटेरिया पार कर जाएंगे तो इस ऐप में आप अपना बैंक अकाउंट डाल के इस ऐप से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब बस यही है कि बोलो इंडिया ऐप में आप टिकटॉक के फीचर्स के मज़े लेने के साथ साथ इस ऐप में पैसा भी कमा सकते हैं। तो अगर आप टिकटॉक की जगह कोई दूसरी ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बोलो इंडिया ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कमाल की ऐप्स जो आप टिकटॉक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात ये है कि ये सभी ऐप्स मेड इन इंडिया है। तो इन सभी ऐप्स का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बल्कि आप इन ऐप्स की मदद से एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि टिकटॉक की जगह पर आप किन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई होप पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।